हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसे स्ट्रेचेस सिखाने वाला हूं। इनको अगर आप नियमित करते हो तो आपका बैक पेन कितना भी पुराना क्यों ना हो, इनसे आप छुटकारा पा सकते हो। और यही एक्सरसाइज को अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा। बैक पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है एंटी पेल्विक टिल्ट, यानी कि जो हमारा पेल्विक होता है वह अगर आपका आगे की साइड पर घूम गए तो इनको एंटी पेल्विक टिल्ट बोला जाता है। 70-80% लोगों में जो पेल्विक होता है वह एंटी साइड टिल्टेड रहता है। इनकी वजह से हमारा जो लंबर लोरोटिक कर्व होता है वह बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों में आप देखते होंगे कि कमर पर एक डिप्रेशन दिखता है, वहाँ पर हाथ घुमाते हैं तो वहाँ पर खड्डा जैसा फील होता है, क्योंकि जो लंबर का लोरोटिक कर्व होता है वह बढ़ जाता है। इनकी वजह से वहाँ पर खड्डा जैसा आपको फील होता है। तो यह कर्व बढ़ने की वजह से हमारा लंबर अलाइनमेंट होता है वह बिगड़ जाता है। हमारी जो वर्टेब्री होती है वह पीछे की साइड नज़दीक आने लगती है। फिर यह नर्व्स को निकलने के लिए यहाँ पर जो फोरामिना होता है, इनकी जो जगह होती है वह भी नैरो हो जाती है। यह नर्व्स के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। फिर आपको अपने पैरों में टिंगलिंग नमनेस की असर होती है। इनके अलावा पीछे की साइड पर, दोनों साइड पर यह फेसेट जॉइंट होता है, वहाँ पर भी कंप्रेसिव फोर्स आता है, वहाँ पर इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, आर्थराइटिस की असर होती है। इनके अलावा जो हमारा सेक्रम यानी कि जो टेलबोन होता है, इनका भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इनके दोनों साइड पर जो SI जॉइंट होता है वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, और इनकी वजह से आपको बटक्स में, थाई में और लोअर बैक में दर्द शुरू हो जाता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स यह एंटी पेल्विक टिल्ट की वजह से होते हैं। एंटी पेल्विक टिल्ट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूरे दिन का ज़्यादातर वक्त चेयर के ऊपर बैठ के काम करना होता है। इनकी वजह से जो हिप के आगे के मसल्स होते हैं वह और हमारे कमर के पीछे के मसल्स टाइट होने लगते हैं। इनकी वजह से फिर हमारा पेल्विक आगे की साइड घूमने लगता है। इनको एंटी पेल्विक टिल्ट बोला जाता है। इस वीडियो में आपको मैं जो 5 स्ट्रेचेस सिखाने वाला हूँ, इनके जरिए आप हिप के आगे के और कमर के पीछे के मसल को स्ट्रेच करके पेल्विक का अलाइनमेंट सही करके लोअर बैक पेन से छुटकारा पा सकते हो। तो ये सभी एक्सरसाइज को जान लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेज है वह है पवन मुक्तासन। यहाँ पर अर्ध और पूर्ण या दो तरीके से पवन मुक्तासन हमें करना है। इनको करके आप अपने कमर और हिप के आगे के मसल को स्ट्रेच कर सकते हो। इनके लिए आपको इस तरीके से दोनों लेग को सीधा करके लेट जाना है। इनके बाद फिर एक लेग को बेंड करना है, दोनों हाथ से पकड़ के इस तरीके से खींचना है। जो दूसरा लेग है वह जमीन पर ही सीधा रहना चाहिए। इनके बाद फिर हेड को ऐसे ऊपर उठाना है, आपके नाक को घुटने के साथ टच करना है, 10 काउंट होल्ड करना है, के बाद फिर छोड़ देना है। फिर दूसरा पैर लीजिए, बेंड करिए, दोनों हाथ से पकड़ के खींचना है, दूसरा पैर जमीन पर ही सीधा रहना चाहिए, हेड को ऊपर उठाइए, नाक को घुटने के साथ टच करना है, 10 काउंट होल्ड के बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड पर 5-5 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। इनके बाद फिर दोनों लेग को ऐसे बेंड करना है, दोनों हाथ से पकड़ के खींचना है, हेड को ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से 5 रिपीटेशन हमें करना है। यह हो गया हमारा पूर्ण पवन मुक्तासन। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके का बोल्स्टर का इस्तेमाल करना है। यह अगर आपके पास नहीं है तो राउंड पिलो का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप चादर को लपेट के ऐसा रोल बना के भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। यह बोल्स्टर को हमारे लोअर बैक पर इस तरीके से रख देना है। इनके बाद फिर दोनों लेग को सीधा करना है, फिर एक लेग को ऐसे बेंड करके दोनों हाथ से पकड़ के खींचना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच देना है। जो दूसरा लेग है वह जमीन पर ही सीधा रहना चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। इस तरीके से बेंड नहीं होना चाहिए और जमीन पर से ऐसे ऊपर नहीं उठना चाहिए, तभी जाके आपको
जो यह वाला लेग है इनका जो हिप है इनके आगे के मसल पर स्ट्रेच फील होगा। इस तरीके से 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। दूसरा लेग लीजिए, उनको बेंड करिए, दोनों हाथ से पकड़ के खींचना है, चेस्ट पर लगाना है। यह वाला पैर सीधा रहना चाहिए और इनकी जो हील है वह जमीन पर ही रहनी चाहिए। 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड पर 5-5 रिपीटेशन करना है। तो यह एक्सरसाइज को करके आप अपने हिप के आगे के मसल को अच्छी तरीके से स्ट्रेच दे सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज हमारे हिप के अंदर के मसल को स्ट्रेच करने वाली करनी है। इनके लिए आपको बटरफ्लाई पोजीशन लेनी है, दोनों लेग को बेंड करना है और फुट को आमने सामने जोड़ देना है। इनके बाद दोनों हाथ से फुट को जितना हो सके उतना आपके शरीर के नज़दीक लाना है, कमर को सीधा करना है, पूरा स्पाइन सीधा रहना चाहिए। इनके बाद फिर दोनों लेग को जितना हो सके उतना नीचे ले जाना है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए वहाँ पर रुक जाना है। 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद रिलैक्स करिए, वापस से लेग को नीचे लाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज हमारे कमर के पीछे के मसल के लिए हमें करनी है। इनके लिए आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है, इनके बाद फिर बॉडी को आगे झुकाना है, दोनों हाथ को इस तरीके से सीधा करना है, आपका हेड जमीन पर टच में रहना चाहिए, फिर दोनों हाथ को आगे की साइड खींचते जाना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच देना है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड के बाद रिलैक्स हो जाना है। फिर आपको अपने बॉडी को इस तरीके से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है, यहाँ पर आके फिर आपको अपने राइट हैंड को इस तरीके से ऑब्लिक डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है, यानी कि यह डायरेक्शन में आपको खींचते जाना है। तो यहाँ पर आपके राइट साइड के जो बैक मसल है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद फिर बॉडी को राइट साइड पर ट्विस्ट करना है, फिर आपको अपने जो लेफ्ट हैंड है उनको इस तरीके से ऑब्लिक डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है। आपके जो लेफ्ट साइड के बैक मसल है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, उनके बाद फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है। तो पहले आपको मिडल में करना है, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, तो पूरी यह एक साइकिल होती है। इस तरीके से आपको 5 पूरी साइकिल करनी है। तो यह हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रेचिंग। इनके बाद का आखिरी और पांचवा जो स्ट्रेचिंग है इनके लिए आपको इस तरीके से क्रॉस लेग सीटिंग में बैठ जाना। यह स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग है, इनको करके आप तुरंत अपनी बैक पेन और बैक की जो स्टिफनेस होती है उनको दूर कर सकते हो। इनके लिए आपको दोनों हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करके यह ग्रिप बना लेनी है, फिर घुटने को इस तरीके से पकड़ लेना है, इनके बाद बॉडी को इस तरीके से जो राइट नी है वह डायरेक्शन में नीचे ले जाना है। इस तरीके से आपकी जो चीन है वह घुटने के ऊपर टच होनी चाहिए। यहाँ पर आके फिर आपको घुटने को अच्छी तरीके से खींच के कमर को जितना हो सके उतना नीचे झुकाना है। यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से दूसरी साइड लेना है, यह घुटने यानी कि लेफ्ट घुटने के डायरेक्शन में बॉडी को झुकाना है, यह ग्रिप बना लेनी है, जितना हो सके उतना नीचे झुकाना है, आपकी चीन घुटने के कांटेक्ट में आनी चाहिए। यहाँ पर आके फिर आपको घुटने को खींच के बॉडी को जितना हो सके उतना नीचे झुकाना है, अच्छा सा स्ट्रेच फील होना चाहिए। यहाँ पर आपके जो राइट साइड के बैक मसल है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा और यह पोजीशन में लेफ्ट साइड के जो बैक मसल है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। तो यह सभी एक्सरसाइज को फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी उनका नाम था पवन मुक्तासन।
तो इनके लिए आपको दोनों पैर को ऐसे सीधा रख के लेट जाना है। इनके बाद एक लेग को बेंड करके खींचना है, दूसरा वाला लेग जमीन पर ही सीधा रहना चाहिए। इनके बाद हेड को ऊपर उठाना है, नाक को और घुटने को कॉन्टेक्ट में लाना है। तो यह हो गया हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। इनके बाद दोनों लेग को बेंड करके खींचना है, हेड को ऊपर उठाना है। यह हो गया हमारा पूर्ण पवन मुक्तासन। इनके बाद फिर ऐसे बोलस्टर लेना है, इनको हमारे लोअर बैक पर रख देना है, दोनों पैर को सीधा रखना है। इनके बाद फिर एक लेग को बेंड करके खींचना है, दूसरा वाला लेग सीधा और जमीन पर ही रहना चाहिए, हील जमीन के कॉन्टेक्ट पर होनी चाहिए। तो यह हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की जो तीसरी एक्सरसाइज है, इनके लिए आपको बटरफ्लाई पोजिशन लेनी है। दोनों फुट को आमने सामने जोड़ देना है, दोनों हाथ से खींचना है, स्पाइन को सीधा करना है, फिर दोनों लेग को जितना हो सके उतना नीचे ले जाना है। तो यह हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की चौथी एक्सरसाइज के लिए वज्रासन में बैठ जाना है। इनके बाद फिर कमर में से इसे आगे झुकना है, दोनों हाथ को जितना हो सके उतना आगे खींचना है, हेड को जमीन पर ही कॉन्टेक्ट में रखना है। इनके बाद फिर लेफ्ट साइड बॉडी को ट्विस्ट करना है और जो आपका राइट हैंड है उनको ऑब्लिक डायरेक्शन में खींचना है। इनके बाद बॉडी को फिर राइट साइड ट्विस्ट करना है और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उनको इस तरीके से राइट साइड ऑब्लिक डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है। तो यह हो गई हमारी पूरी एक साइकिल। इनके बाद की जो आखिरी एक्सरसाइज है, इनके लिए क्रॉस लेग सीटिंग में बैठ जाना है, यह वाली ग्रिप बना लेनी है, फिर घुटने को खींच के बॉडी को आगे झुकाना है, आपकी चीन और नी कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। के बाद फिर नी को अच्छी तरीके से खींचना है और कमर को नीचे झुकाना है। तो यह पांच स्ट्रेचेस हमें करने हैं। तो यह सभी एक्सरसाइज को करके आप एंटी पेल्विक टिल्ट को करेक्ट करके कितना भी पुराना आपका बैक पेन क्यों ना हो इनसे छुटकारा पा सकते हो, और यही एक्सरसाइज को अगर नियमित करते हो तो आपको कभी भी बैक पेन नहीं होगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।